यूं ही रोने लूंगा जब तक जिंदा कुछ होने। हेलो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि हम वाले की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम वायरल नेम वाला स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इस तरह के जो नेम स्टेटस हैं अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग नेम स्टेटस वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो दोस्तों आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी वीडियो भी वायरल हो सकती है। तो दोस्तों, आपको इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको VN ऐप को और कैपकट ऐप को डाउनलोड करना है। दोस्तों, आपको VN ऐप और कैपकट ऐप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके VN ऐप को और कैपकट ऐप को डाउनलोड करना है। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में जो भी मटेरियल यूज होगा आपको वो सारा मटेरियल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो दोस्तों, आपको वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है बिंग इमेज AI क्रिएटर। इस तरह से दोस्तों आपको सर्च करना है। सर्च करते ही फर्स्ट में जो आपके सामने वेबसाइट आ रहा है इस पर आपको टैप करना है। टैप करते ही ये वाला जो वेबसाइट है इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा राइट साइड में तीन लाइन वाला, इस पर आपको टैप करना है। दोस्तों, आपको इस वेबसाइट में लॉग इन करना है। तो यहाँ पर हम अपनी जीमेल ID डालकर इसमें लॉग इन कर लेंगे। जो भी जीमेल ID आपने डाला है उस पर आपको OTP जाएगा, उस वाली OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम इस वेबसाइट में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नाम आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आपको इस वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ से आप जिस भी तरह का इमेज को क्रिएट करना चाहते हैं आपको उस टेक्स्ट को यहाँ पर टाइप करना है। तो दोस्तों, मैंने टेक्स्ट को पहले से ही लिख कर रखा है, तो उसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। दोस्तों, आपको ये वाला जो टेस्ट है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस तरह से आपको इसको कॉपी करके और यहाँ पर आपको वेबसाइट में इसको पेस्ट करना है। पेस्ट होने के बाद जहां पर गाइस ये मेरा नाम लिखा है यहाँ पर आपको अपने नाम को लिखना है। अब यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट वाला, इस पर आपको टैप करना है। टैप करते ही आप देख सकते हैं मेरे नाम का यहाँ पर जो इमेज है वो आ गया है। दोस्तों, अगर आप यहाँ से और इमेज को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जैसे ही क्रिएट पर टैप करेंगे आपके सामने बहुत सारे इमेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहले से ही इमेज को क्रिएट करके रखा है। तो इस वाली इमेज को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा 3 डॉट वाला, इस पर आपको टैप करना है। टैप होने के बाद डाउनलोड पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर टैप करेंगे आपका जो ये इमेज है गैलरी में सेव हो जाएगा। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट बैक आना है। अब दोस्तों, आपको VN ऐप को ओपन करना है। VN ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। यहाँ से आपको इमेज वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको उस वाली इमेज को सिलेक्ट करना है जो आपने अभी सेव की थी। इस तरह से हम नेम वाली इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो इमेज है इस तरह से ऐड हो जाएगा VN ऐप में। अब दोस्तों, आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा ओरिजिनल वाला, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ से आपको नॉन रेसिस्टिव वाली साइज को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों, आपको इस इमेज को जूम आउट करना है। इस तरह से हम इसको जूम आउट कर लेंगे, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको इसकी लेयर को खींचकर लंबा करना है। इस तरह से आप जितने भी सेकंड का यहाँ पर वीडियो बनाना चाहते हैं आपको लेयर को उतना लंबा कर लेना है। तो हम 12 सेकंड का यहाँ से वीडियो बनाएंगे। अब आपको वीडियो के लास्ट में जाकर जो ये बॉर्डर मार्क करा है इसको आपको डिलीट करना है। इस तरह से हम बॉर्डर मार्क को यहाँ से हटा देंगे। दोस्तों, यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा BG वाला, इस वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। टैप होने के बाद आपको इमेज वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही आपकी इमेज में इस तरह से ऊपर नीचे साइड में ब्लर लग जाएगा। अब दोस्तों, यहां से आप ब्लर को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे।
अब दोस्तों यहाँ से आपको इस वाली वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ से आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही आपकी जो ये वीडियो है गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइस हमारी जो वीडियो है वो गैलरी में सेव हो चुकी है। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट बैक जाना है। बैक आने के बाद गाइस आपको टर्बो वीपीएन वाले ऐप को ओपन करना है। ये वाला जो ऐप है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो इस वाले ऐप को आपको पहले कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो वीपीएन ऐप है वो कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट बैक जाना है। बैक आने के बाद गाइस आपको क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट, इस तरह से आपको यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करते ही जो ये फर्स्ट में वेबसाइट आ रहा है इस पर आपको टैप करना है। टैप करते ही दोस्तों आपके सामने कैपकट ऐप का जो टेम्पलेट है वो आ जाएगा। तो इस वाली टेम्पलेट का यूज करके हम वीडियो को बनाएंगे, तो आपको यूज टेम्पलेट पर आपको टैप करना है। टैप करते ही दोस्तों आपका जो ये कैपकट ऐप है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहां से आपको यूज टेम्पलेट पर टैप करना है। अब यहां से आपको उस वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है जो हमने अभी वीएन ऐप से सेव की थी, इस तरह से हम वीडियो को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रीव्यू वाला, इस पर आपको टैप करना है। दोस्तों यहां पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाइंग स्मूथ स्लो मोशन, इसको आपको 100 तक होने तक आपको वेट करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में पूरी तरह से यहां पर इफेक्ट लग गया है। अब आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट वाला, इस पर आपको टैप करना है। टैप होने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क, इस पर आपको टैप करना है। टैप करते ही आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड होने लगेगी। अब दोस्तों हम इस वीडियो में साउंड को ऐड करेंगे। अब यहां से आपको डन वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहां से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। यहां से आपको उस वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है जो हमने अभी सेव की थी, इस तरह से हम वीडियो को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने का दोस्तों इस वीडियो में जो साउंड लगा है इसको आपको म्यूट करना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा म्यूट वाला, इस पर आपको टैप करना है। टैप करते ही इस वीडियो का जो साउंड है वो म्यूट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम साउंड को ऐड करेंगे, तो वीडियो के लास्ट में जाकर आपको जो ये वाटरमार्क आ रहा है कैपकट ऐप का, इसको आपको डिलीट करना है। इस तरह से हम वाटरमार्क को यहाँ से हटा देंगे। अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड आईडी वाला, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ से आपको चौथे नंबर पर एक ऑप्शन मिल जाएगा एस्ट्रिक वाला, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ से आपको इसमें एक साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है, तो इस तरह से हम साउंड वाली वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस साउंड वीडियो की लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपके वीडियो में साउंड लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब दोस्तों हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर आपको टैप करना है। टैप करते ही आपकी जो ये वीडियो है वो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग नेम वाला स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।